हेलो माय लवली स्टूडेंट्स दिस इज मानसी वेलकम बैक टू दी चैनल सो आर गोइंग टू स्टार्ट प्रोबेबिलिटी सो ये उस चैप्टर का इंट्रोडक्शन वीडियो है इंट्रोडक्शन में ज्यादा कुछ चीजें नहीं है छोटी छोटी चीजें हैं वो समझ लेते हैं सो so, प्रॉबिबिलिटी होता क्या है नाइन्थ क्लास में भी प्रॉबिबिलिटी पढ़ के आई हो प्रॉबिबिलिटी इज द स्टडी ऑफ मैथमेटिक्स विच कैलकुलेट द डिग्री ऑफ अनसर्टेनिटी बेसिकली किसी चीज के होने की क्या संभावना है या क्या क्या चांसेस है किसी चीज के होने का दैट इज प्रोबेबिलिटी जैसे आज बारिश होगी या नहीं तो दैट इज प्रोबेबिली इट विल रेन प्रोबेबिली इट वॉन्ट रेन सो ये एक प्रॉबेबिलिटी चांस है ठीक है जी सो देर आर टू टाइप ऑफ अप्रोचेस टू स्टडी प्रोबेबिलिटी दो टाइप की अप्रोचेस होती है फर्स्ट है एक्सपेरिमेंटल और एम्पियल प्रॉबिबिलिटी आई नो ये सब एक थ्योरी से बस आपको बेसिक क्लियर करने के लिए इसका कोई यूज आपके लिए नहीं है बट पता होना चाहिए आपको सो द रिजल्ट ऑफ़ प्रॉबीबिलिटी बेस्ड ऑन एक्सपेरिमेंट इज कॉल्ड एक्सपेरिमेंटल प्रॉबीबिलिटी इन दिस केस द रिजल्ट कुड बी डिफरेंट इफ यू डू दी सेम एक्सपेरिमेंट अगेन अब एक्सपेरिमेंटल नाम से ही पता चल रहा है जब आप कोई एक्सपेरिमेंट करके देखते हो कोई चीज करके देखते हो एंड देन आप उसकी प्रॉबिबिलिटी बताते हो कि हाँ ये होने का चांस इतना है ठीक है जी इसी तरह से नेक्स्ट है प्रोबेबिलिटी प्रॉबिबिलिटी थियोरटिकल अप्रोच इसमें क्या होता है इन द अप्रोच वी द द द रिजल्ट विदाउट परफॉर्मिंग एक्सपेरिमेंट एक्चुअली अदर नेम ऑफ प्रोबेबिलिटी इज क्लासिकल प्रोबेबिलिटी अब इसमें क्या करते हैं कोई एक्सपेरिमेंट नहीं किया बस ऐसे ही तुक्का लगा दिया वो भी उसको भी प्रोबेबिलिटी कहा जाता है ठीक है ये था थोड़ा सा थ्योरी का पार्ट अब आते ही चीजें समझने वाली जो है ठीक है ये थ्योरी मत समझना दिस इज समथिंग जो आपको समझ आना चाहिए सो so, Equally likely outcomes ये क्या होता है If we have the same possibility of getting each outcome, then it is called equally likely. जब भी कोई experiment हो रहा है उसमें outcomes जो आ रही है वो equally likely होनी चाहिए जैसे की have the same possibility of getting वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स एक die है आप उसको roll कर रहे हो अब उसमें वन आए टू आए थ्री आए फोर आए फाइव आए सिक्स है सबकी इक्वल प्रॉबिबिलिटी है सो so, यहाँ पे इसको हम बोलेंगे

नहीं है अब एक बैग लिया मैंने उसमें तीन ग्रीन बॉल्स डाल दी दो पिंक बॉल डाल दी तो यहाँ पे इक्वालिटी नहीं है पिंक बॉल बॉल कम है ग्रीन ग्रीन ज्यादा समझ लो एक बैग में आपके पास बॉल्स हैं उसमें थ्री पिंक बॉल्स है तो दोनों की जो प्रोबेबिलिटी है वो डिफर करेगी एक बहुत ज्यादा ज्यादा चांस है ना जो ज्यादा नंबर में होगी वो ही हाथ में आएगी तो यहाँ पे ये इक्वली लाइकली नहीं है ठीक नेक्स है नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट है जी इम्पॉसिबल इवेंट अब इम्पॉसिबल इवेंट क्या होता है इफ देर इज नो पॉसिबिलिटी ऑफ एन इवेंट टू अकर देन इट इज प्रोबेबिलिटी इज जीरो दिस इज नोन एज एन इम्पॉसिबल इवेंट अब एक कोई ऐसा आप इवेंट कह रहे हो जो हो ही नहीं सकता तो उसको हम बोलते हैं इम्पॉसिबल जैसे कि इट इज़ नॉट पॉसिबल टू ड्रॉ अ ग्रीन बॉल फ्रॉम अ ग्रुप ऑफ ब्लू बॉल्स सिंपल सा एक हमारे पास बैग है जिसमें ब्लू बॉल्स भरी हुई हैं

है जिसमें जो आप प्रोबेबिलिटी कह रहे हो हंड्रेड एंड वो ही होगी तो दैट इज अर इवेंट या सर्टेन इवेंट बोलते हैं जैसे कि अब इसका एग्जाम्पल क्या हो सकता है कि मैं एक डाई फेंक रही हूँ एंड मैं कह रही हूँ कि नाव जो नंबर आएगा वो सेवन से छोटा होगा तो दैट इज अ इवेंट कि कुछ भी आए सेवन से तो छोटा ही है वन से लेकिन सिक्स तक ही आ सकता है तो वो सेवन से छोटा ही होगा तो दैट इज अर इवेंट ठीक है तो उसकी प्रॉबीबिलिटी वन होगी नाउ दिस शोज दैट दी प्रॉबिबिलिटी ऑफ एन इवेंट कुड बी अब इन दोनों चीजों से हमें यहाँ पे क्या पता चलता है कि किसी भी आपके कोई भी प्रोबेबिलिटी की जब हम बात करेंगे तो प्रोबेबिलिटी ऑफ एनी इवेंट इज इधर जीरो या जीरो से बड़ा या फिर वन या वन से छोटा मतलब किसी भी इवेंट की प्रोबेबिलिटी जीरो और वन के बीच में ही रहेगी जीरो और वन भी हो सकती है या उसके बीच में रहेगी वन से ज्यादा नहीं हो सकती और जीरो से कम नहीं हो सकती मतलब नेगेटिव नंबर में प्रोबेबिलिटी नहीं हो सकती इसी से इसी तरह से वन से ज्यादा प्रोबेबिलिटी किसी चीज की नहीं हो सकती ठीक है आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट हमारे पास है प्रोबेबिलिटी निकालेंगे कैसे सेम फार्मूला हम करके हैं नाइन्थ क्लास में नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम जैसे अब एक सिंपल सा एग्जांपल है अगर आप एक टॉइंग हो सो उसमें या तो आपके पास हेड आएगा आएगा या टेल तो टोटल तो पॉसिबल आउटकम्स कितने हैं दो ही हैं अगर आपसे पूछा है कि बताओ हेड आने की प्रोबेबिलिटी क्या है तो हमारा फेवरेबल आउटकम कितना है इसमें वन हेड एक ही है दोनों में से तो वन अपॉन टू हो गया तो इस तरह से आप प्रोबेबिलिटी निकालते हो सो फॉर एनी इवेंट ई पी ई प्लस पी नॉट ई नॉट मतलब किसी चीज के होने की प्रॉबिबिलिटी और ना होने की प्रॉबिलिटी प्रॉबिबिलिटी ऑफ ई मतलब किसी इवेंट की होने की प्रॉबिबिलिटी प्रॉबिबिलिटी ऑफ ई नॉट मतलब किसी चीज के किसी इवेंट के ना होने की प्रॉबिबिलिटी इक्वल होता है वन अगर आप इन दोनों को ऐड करोगे तो ऐसे हम बहुत सारे क्वेश्चन करेंगे कि आपको दे दिया कि इस चीज की प्रॉबिबिलिटी इतनी है अभी नहीं होगा इसकी प्रॉबिबिलिटी क्या है सिंपल उसे वन में से माइनस कर देंगे

क्लैरिटी देना चाहती स्टार्ट करते हैं सो so, सबसे पहले बात करते हैं कॉइन की अब देखो नॉर्मली हमने देखा है कॉइन में क्या होता है दो चीजें आ सकती हैं जैसे कि यहाँ पे मेरे पास कॉइन है अगर आप इस कॉइन को टॉस करते तो या तो या आपके पास हेड आएगा या आपके पास टेल आएगा दो हमारे पास चीजें हैं जो आ सकती है तो अब इसमें ट्विस्ट क्या होगा इसमें ट्विस्ट ये होगा कि आपको बोल दिया जाएगा कि तीन कॉइन्स हमने एक साथ टॉस कर दिए सिंपल पहले देते दो क्वेंस एक साथ टॉस कर दिए तो क्या क्या आ सकता है अब देखो एक कॉइन पे हेड आए दूसरे पे भी हेड आए या हो सकता है एक पे हेड आए दूसरे पे टेल टेल आए आए या फिर एक पे टेल दूसरे पे दूसरे हेड आए या दोनों पे टेल तो पे टेल आए तो हमारे पॉसिबल आउटकम्स क्या हो गए नाउ वी हैव फोर पॉसिबल जैसे पहले अगर सिंगल कॉइन आप टॉस कर रहे हो एक पॉसिबल आउटकम था अब यहाँ पे अगर आपने चार सॉरी दो क्वेंस एक साथ टॉस कर दिए तो आपके पास पॉसिबिलिटीज चार हो गई इसी तरह से क्वेश्चन आ जाएगा कि जी थ्री क्वेंस को हमने एक साथ टॉस कर दिया क्या क्या पॉबिबिलिटी हो सकती है देखो तीनों कॉइंस पे हेड आ जाए या तीनों पे टेल आ जाए सिमिलरली एक पे हेड आ जाए बाकी दो पे टेल आ जाए या एक पे टेल आ जाए बाकी दो पे हेड आ जाए या फर्स्ट कॉइन पे हेड आया फिर टेल आया फिर हेड आया इसी तरह से फर्स्ट कॉइन पे टेल आया फिर हेड आया फिर टेल आया फिर पहले दो पॉइंट पे हेड आया फिर टेल आ, फिर आ, फिर आ गया या पहले दो पॉइंट्स पे टेल आया फिर हेड आ गया तो अब आप देख रहे हो पॉसिबिलिटीज कितनी बढ़ गई थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाउ वी हैव एट पॉसिबिलिटीज तो हमारे जब आप इसमें से कुछ सेलेक्ट करना होगा तो टोटल आउटकम्स एट हो गए तो कॉइन में ही अभी तक बेसिक हम हेड टेल पढ़ते आए थे कि दो पॉसिबिलिटीज है देन अगर दो कॉइंस को टॉस कर देंगे तो पॉसिबिलिटीज चार हो जाएंगी इसी तरह से अगर तीन कॉइन्स को टॉस कर देंगे तो पॉसिबिलिटीज एट हो जाएंगे ठीक है तो इस तरह के क्वेश्चन आएंगे ये आपको पता होना चाहिए आगे बढ़ते हैं अब अगर हम डाइस की बात करें तो आपको बड़ी सिंपल सी चीज है या तो वन आएगा टू आएगा थ्री आएगा फोर आएगा फाइव आएगा या सिक्स आएगा बट यहाँ पे भी कुछ ट्विस्ट है क्या ट्विस्ट होगा अगर आपको क्वेश्चन में कह दिया जाए कि दो डाइस को एक साथ थ्रो किया गया है एक साथ रोल किया गया है तो अब देखो पॉसिबिलिटीज या तो फर्स्ट डाई पे वन आया दूसरे पे भी वन आ गया या फिर पहले डाइस पे टू आया दूसरे पे वन इसी तरह से थ्री वन या फोर वन देन फाइव वन सिक्स वन इसी तरह से ये भी हो सकता है पहले पे जैसे वन ही आया फर्स्ट डाई पे दूसरे पे टू आ गया या वन आया फिर थ्री आ गया वन आया दूसरे वाले पे फोर आ गया वन आया इस पे फाइव आ गया वन आया सिक्स आ गया इसी तरह से जी ये वाला सेम चला लो टू टू आ सकता है दोनों पे टू आया इस पे थ्री आ गया टू आया फोर आ गया एक पे टू आया एक पे फाइव आ गया एक पे टू आया एक पे सिक्स आ, आ गया इसी तरह से थ्री टू सो अब देखो ये यहाँ पे बढ़ते जाएंगे एंड ये टोटल हमारे हो जाएंगे थर्टी सिक्स आउटकम्स थर्टी सिक्स आउटकम्स पॉसिबल हो जाएंगे अगर आप दो डाइस को एक साथ रोल करते हो ठीक है तो अब यहाँ पे क्वेश्चंस कितने सारे बन सकते हैं ऐसे कौन कौन से यहाँ पे होंगे जिनका सम थ्री होगा तो जैसे ये देखो टू प्लस वन थ्री हो गया इसी तरह से वन और टू थ्री हो गया तो ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन तो ये टेबल समझ में आना चाहिए कि क्या हो रहा है दो डाइस को एक साथ फेंक रहे तो इतनी सारी पॉसिबिलिटीज बन जाती है ठीक है उसके बाद हमारा टॉपिक आता है कार्ड्स की अब देखो इसके जो क्वेश्चंस आते हैं उसमें बच्चों को बहुत दिक्कत होती है बट मैं भी आपको आपके यहाँ पे कार्ड्स का कांसेप्ट अच्छे से क्लियर करा दूंगी ताकि आगे जाके आपको इसमें इन क्वेश्चंस में एटलीस्ट कंफ्यूजन ना हो तो so, देखो जब भी हम कार्ड्स की बात करते हैं पूरा जो डेक ऑफ कार्ड्स होता है उसमें वी हैव टोटल ऑफ 52 कार्ड्स ठीक है जी एक पूरे डेक में 52 कार्ड्स होते हैं अब इसका अगर मैं हाफ कर दूं तो 26 राइट इट अगेन सो 26 कार्ड्स जो होते हैं वो हमारे पास रेड कलर के होते हैं इसी तरह से ट्वेंटी सिक्स कार्ड ब्लैक कलर के होते हैं ओके okay? जब हम रेड कलर में बात करते हैं तो अगेन इसको भी फर्दर हम हाफ में डिवाइड कर देंगे थर्टीन और थर्टीन में तो रेड में थर्टीन हार्ट के कार्ड होते हैं एंड थर्टीन डायमंड के कार्ड होते हैं सो आई शो यू दैट देखो जरा हार्ट की जब हम बात करते हैं अभी तो बहुत सिंपल है ये हार्ट शेप दिख रही है आपको ये सारे कार्ड्स हमारे होते हैं हार्ट के रेड कलर के हैं एंड हार्ट के हैं इसी तरह से जब हम डायमंड की बात करते हैं सो तो यहाँ पे ये जो मेरे पास है, कलर, और ये जो शेप है ये डायमंड की है ठीक है सो तो ये हो गया हमारा अब अगर मैं बात करूं ब्लैक कार्ड की तो टोटल ट्वेंटी सिक्स ब्लैक कार्ड्स होते हैं जिसके अंदर अगेन मेरे पास थर्टीन कार्ड्स होते हैं क्लब के थर्टीन कार्ड्स होते हैं स्पेड के अब ये भी बता देती हूँ मैं देखो अगेन दिस इज ब्लैक कलर कार्ड ये जो मेरे पास शेप है दिस इज द शेप ऑफ क्लब तो ये 13 ऐसे कार्ड होते हैं क्लब के इसी तरह से 13 कार्ड्स होते हैं स्पेड के ये देखो अगेन ब्लैक कलर के कार्ड हैं एंड ये जो शेप है जिसको आप कह सकते हो पान बोल सकते हो ठीक पान है पानी बोलते हैं हिंदी में इसको सो so ये जो शेप है दिस इज स्पेड ओके सो so, ये तो क्लियर हो गया थर्टीन हार्ट के होते थर्टीन डायमंड के हार्ट टू डायमंड रेड होता है इसी तरह से थर्टीन क्लब थर्टीन स्पेड और क्लब और स्पेड ब्लैक होता है ठीक है अब यहाँ थर्टीन कार्ड कैसे देखो ए से स्टार्ट होता है अब ए क्या होता है यूजली कार्ड में जब हम खेलते हैं तो ए इज कंसिडर्ड एज वन ठीक है लेकिन इसको हम बोलते हैं एस सो so, ये जो हमारे कार्ड्स होते हैं यहाँ पे आप देख सकते हो ये चार कार्ड्स होते हैं अगेन एक आपके पास डायमंड का है एक हाट का एक हमारे पास पेड़ का एंड एक क्लब का सो so ये जो चार कार्ड है जिनपे ए लिखा हुआ है आर एस. ठीक है, अब इसको हटा देते हैं, यहाँ पे ए से लेके फिर ए टू थ्री फोर का फाइव का सिक्स का सेवन का एट का नाइन का टेन का टेन कार्ड्स हो गए देन जे क्यू के अब यहाँ पे जो जे है क्यू है के है जे बेसिकली इलेवन होता है क्यू होता है ट्वेल्व और के होता है थर्टी ठीक है अब ये जो हमारा जे है, इसको हम बोलते हैं जैक सो so, इस तरह के जो हमारे पास कार्ड है ये सिंगल कार्ड दिखा रही हूं ऐसे चार कार्ड होते हैं हमारे पास अगेन ये हार्ट का है ऐसे इस पेड का होगा क्लब का होगा एंड डायमंड का होगा सो so, दिस जे विच इज कॉल्ड जैक इसी तरह से नेक्स्ट वी हैव हाँ, क्यू विच इज क्वीन सो इस तरह का जो कार्ड होता है इस पर देखो क्यू मैं अगेन ये भी चार होते हैं हमारे पास क्लब का होगा स्पेड का होगा हार्ट का होगा और डायमंड का होगा ठीक है देन लास्ट के हमारा होता है दैट स्टैंड फॉर किंग ओके जी सो so ये किंग का कार्ड है केन्न के. ये भी चार होता है हार्ट का डायमेंड का क्लब का और स्पेड का ठीक है so, सो जैसे यहाँ पे हार्ट के हमने बताया थर्टीन कार्ड ए से लेके के तक इसी तरह से डायमंड की हैं ए के तक इसी तरह से क्लब की हैं ए तक एंड ए तक और यहां से चल गया कि एक ही अगर हम बात करें चार कार्ड्स इसके होंगे जैक के भी चार कार्ड्स होंगे क्यू के भी चार कार्ड्स होंगे एंड के के भी अब लास्ट जो एक वर्ड आता है दैट इज अ फेस कार्ड अब जब हम फेस कार्ड की बात करते हैं तो उसमें हमारे ये वाले कार्ड जाते हैं अगेन जे क्यू के वाले जितने भी कार्ड है ये सब जिसमें आप देख रहे हो ना यहाँ पे कुछ ना कुछ बना हुआ है ये सभी हमारे कार्ड्स होते हैं इनको हम बोलते हैं फेस कार्ड ठीक है जी सो फेस कार्ड मतलब कितने होते हैं चार जैक के चार क्वीन के और चार किंग के सो फोर थ्री जेड ट्वेल्व टोटल ट्वेल्व कार्ड होते हैं फेस के ठीक है बाकी अब यहाँ पे मैंने थोड़ा सा तो अपनी तरह से ट्राई किया समझाने का इसके अलावा जब क्वेश्चन आएंगे तो हम अच्छे से इसको फिर से एक बार रिवाइज करेंगे एंड करेंगे तो आपको भी क्लियर हो जाएगा so ये था हमारा प्रोबेबिलिटी का इंट्रोडक्शन अब यहाँ पे हमारा इंट्रोडक्शन तो कम्प्लीट होता है अब हम स्टार्ट करेंगे विद विदरसाइजेस जो कि आपको नेक्स्ट वीडियो में मिल जाएंगे सो आई सी यू इन नेक्स्ट वीडियो बट बिफोर दैट इफ यू हैवन सब्सक्राइब दी चैनल ये प्लीज मेक श्योर टू सब्सक्राइब चैनल बाय फॉर नाउ